आज हम बनाने वाले हैं आलू बैंगन की सब्जी, जो कि मैंने बैंगन छील के रखा है और आप देख सकते हैं कि कितना टेस्टी बना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं कढ़ाई लूंगी, उसमें तेल गरम करने के लिए डाल दूंगी। उसके बाद से पंचफोरन डालूंगी, हरी मिर्ची और लहसुन मैंने डाला है, आप चाहो तो पीस के भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद से मैंने प्याज डाला है और टमाटर डाला है। इन सबको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। तो नमक मैं डाल दूंगी और नमक डालने के बाद से इसको ढक के 1 से 2 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूंगी, जिससे कि ये पूरा मैशी हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि सब पक चुके हैं, टमाटर और प्याज अच्छी तरह से। इसके बाद से हम इनमें मसाले ऐड करेंगे। तो हल्दी मैंने डाला है, थोड़ा सा गरम मसाला मैंने डाला है, इसके बाद से पैरी पैरी मसाला डाला है, मैंने पिसा हुआ मसाला कोई इस्तेमाल नहीं किया है। इसके बाद से मैंने फ्रोजन मटर इस्तेमाल किया है, क्योंकि आजकल फ्रोजन मटर ही मिल रहे हैं। इसके बाद से मैं बैंगन छिले हुए डाली हूँ, आलू बॉयल डाली हूँ 2-3, और उसके बाद से इन सबको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद से हम इसे 2 मिनट के लिए ढकेंगे, ताकि मसाले पूरा इसमें मिक्स हो जाए। उसके बाद से फिर से हम इसे दोबारा से खोलेंगे और पानी डालेंगे थोड़ा सा पकने के लिए। तो जितना हमें थिक चाहिए या पतला चाहिए या कितना ग्रेवी चाहिए, उस हिसाब से आप रखिएगा। साथ में मैंने धनिया की पत्ती ऐड किया है और इन सबको हम अच्छी तरह से ढक देंगे पकने के लिए। तो 5 मिनट बाद हमारी सब्जी रेडी हो जाएंगे और आप देख सकते हैं कि कितना थिक है। तो इसी पूड़ी पराठा किसी के साथ खाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा, बच्चों को भी ये बहुत पसंद आएगा। तो इस तरह से आप सब्जी को बनाइए और इन्जॉय करिए। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए।